दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आपके मोबाइल फ़ोन पर दोस्तों इंटरनेट की स्पीड कम आ रही है तो दोस्तों कैसे आप अपने इंटरनेट की स्पीड को दोस्तों बूस्ट कर सकते हो, पहले से ज़्यादा दोस्तों कई गुना इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मेरा सिग्नल है ना, यहाँ पर 1 या 2 दोस्तों यहाँ पर डंडी दिख रही है। बट दोस्तों यहाँ पे जो पहले मैं आपको इंटरनेट की स्पीड दिखाऊंगा और दोस्तों मैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर दोस्तों एक APN सेटिंग करूंगा। पहले तो दोस्तों इस APN सेटिंग में मुझे बिलीव नहीं था, बट दोस्तों जैसे मैंने इसे यूज किया ना दोस्तों, मैं तो चौंक गया बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों इतना जो स्पीड आ रहा था ना, मैं तो दोस्तों बिल्कुल हिल गया कि यार ये कैसे हो सकता है। मुझे यकीन हो गया कि हाँ जी, APN सेटिंग की मदद से इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी का जो यहाँ पे जो मेरा 1 सिग्नल आ रहा है ना, अभी यहाँ पे मैं अपने इंटरनेट की स्पीड को दोस्तों आपको सामने यहाँ पे दिखाता हूँ लाइव टेस्ट करके, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि अभी यहाँ पे बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। और दोस्तों कनेक्ट भी हुआ है तो देख सकते हो कि यहाँ पे कितना यहाँ पे लो दोस्तों नेटवर्क है, और जो इसकी स्पीड है ना दोस्तों आपको यहाँ पे MBPS में दिख रही है, जो कि दोस्तों इसको यहाँ पे दोस्तों स्पीड टेस्ट करने के बाद मैं आपको लाइव दोस्तों आपको यहाँ पे जो APN सेट करूँगा नया वाला, उसके बाद दिखाऊंगा कि दोस्तों कितना ज़्यादा आपको हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है ना 6.07 की है। अब दोस्तों मैं इसे कट कर देता हूँ। कट करने के बाद देखिए दोस्तों, अब आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या काम करना है कि दोस्तों सेटिंग के अंदर आने हैं। सेटिंग के अंदर आओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नेटवर्क सेटिंग के अंदर आने हैं, और दोस्तों जो भी सिम यूज करते हो, चाहे दोस्तों आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम हो जियो, VI, VSNL, एयरटेल, दोस्तों कोई भी सिम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे दोस्तों एक 5G APN सेट करेंगे, जिसका यूज करके दोस्तों हम यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर चला पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक वैसे ही दोस्तों आपको भी करना है। और दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ही नीचे आओगे, आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे चूज नेटवर्क पे आना है, और आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क पे क्लिक रखना है। इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम के अंदर आने हैं, जो कि देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक APN सेट किया है। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये जो APN है ना दोस्तों, मैं इसे आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से इसे डिलीट कर देता हूँ। और दोस्तों डिलीट करने के बाद अब जो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको जो स्पीड टेस्ट करके दिखाया था, ये जो बाई डिफ़ॉल्ट होता है फ़ोन के अंदर वो स्पीड दिखाया था, अब दोस्तों आपको प्लस वाला आइकन पे टैप करने हैं, और आपको यहाँ पे एक नया APN क्रिएट करना है जिस प्रकार से यहाँ पे मैं करूँगा। आपको यहाँ पे कैपिटल स्मॉल हर एक वर्ड का ध्यान देना है, जिस प्रकार से मैं लिखूँगा सेम आपको ऐसे ही करना है, फिर आपको इंटरनेट की स्पीड चेक करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे नेम पे क्लिक करना है। नेम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो चीज़ें आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे दोस्तों 5 लिखना है, और आपको यहाँ पे कैपिटल में जी लिखना है, स्पेस देना है, और इसके बाद दोस्तों आपको कैपिटल में अल्फ़ा लिखना है। यहाँ पे पहला जो ए अक्षर होगा ना, ये कैपिटल में होगा, इसके बाद स्पेस देना है, और आपको यहाँ पे 2 लिखना है, पॉइंट लिखना है, 0 लिखना है। आपको यहाँ पे ध्यान से देख लो, 5G कैपिटल में है, ए कैपिटल में है, इसके बाद आपको 2.0 इस तरह से लिख के यहाँ पे ओके पे टैप कर देना है। इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे APN के अंदर आने हैं। APN के अंदर आओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्मॉल के अंदर लिखना है, जो भी यहाँ पे आपका जैसे सिम है ना, जैसे जियो का, तो सबसे पहले आपको जियो लिखना है, और यदि आपका सिम एयरटेल का है तो दोस्तों सबसे पहले आपको एयरटेल लिखना है। यानी दोस्तों जो भी आपका सिम हो उसका नेम सबसे पहले लिखना है। तो मेरा यहाँ पे जो मेरा सिम है ना वो जियो का है, तो यहाँ पे मैंने जियो लिख दिया, और इसके बाद आपको NET लिखना है, जियो नेट। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 5G लिखना है, इस तरह से 5G आपको स्मॉल में इस प्रकार से लिख देना है जैसे मैंने लिखा है। ओके पे दोस्तों टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉक्सी के अंदर कुछ भी नहीं करना है, पोर्ट के अंदर भी आपको नन कुछ भी नहीं करना है। यूजर नेम के अंदर आने हैं दोस्तों, और आपको यूजर नेम के अंदर यहाँ पे कुछ लिखना है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे स्मॉल में लिखना है अल्फ़ा, यहाँ पे जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा लिखना है। इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे @ लगाना है। @ लगाने के बाद, यानी कि दोस्तों मैंने गलत यहाँ पर लिख दिया, @ लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका सिम हो, जैसे कि मान लो मेरा सिम जियो है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं स्मॉल में ही लिख रहा हूँ JIO जियो, और इसके बाद आपको यहाँ पर 4G लिखना है, सबसे पहले 4G, इसके बाद 2 यहाँ पे लिखना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे 5G लिख देना है, जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है @JIO4G to 5G। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है, ओके पे टाइप कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको पासवर्ड को ब्लैंक रखना है, कुछ भी नहीं करना है। सर्वर के अंदर भी आपको आने हैं, सर्वर के अंदर जैसे ही आओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे www. यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है और डॉट लगाना है, और google.com यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिख देना है जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ।
यहाँ पे सारा सब कुछ स्मॉल में ही होगा और आपको सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों MMSC के अंदर कुछ नहीं करना है, MMS प्रॉक्सी के अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है, MMS पोर्ट के अंदर भी कुछ नहीं करना है और MCC के अंदर भी कुछ नहीं करना है, ये सारा का सारा खाली रहेगा। आपको ऑथेंटिकेशन टाइप के अंदर आने हैं और दोस्तों आपको सबसे लास्ट वाला PAPRCHAP इसको सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको APN टाइप को खाली छोड़ देना है और आपको यहाँ पे APN प्रोटोकॉल के अंदर आने हैं, जो कि दोस्तों IPv4/IPv6 को सेट करना है। इसी तरह से दोस्तों आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल के अंदर आने हैं, यहाँ पे भी IPv4/IPv6 को सेट करना है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेटिंग है ना दोस्तों, आपको यहाँ पे बियरर के अंदर आने हैं। तो आपको दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर यहाँ पे अनस्पेसिफाइड होगा, आपको इसे अनटिक कर देना है और आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर देना है। मैंने कुछ यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया था बट दोस्तों आपको इन्हें पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेना है। जितने भी आपको DNS है ना, आपको यहाँ पे सब पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, ओके पे टैप कर देना है। इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या काम करना है कि सेव वाले ये जो 3 लाइन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे 5G Alpha 2.0 आपने जो APN अभी क्रिएट किया दोस्तों, इस पे आपको इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, यानी कि दोस्तों रिबूट करना है। रिबूट करने के बाद आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर नेट को ऑन करना है। नेट ऑन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से ये जो स्पीड टेस्ट वाली जो ये सेटिंग है ना, जो एप्लीकेशन, यहाँ पे दोस्तों आपको गो पे क्लिक करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे अब जो आप यहाँ पे नेट की स्पीड देखोगे ना दोस्तों, पहले के मुकाबले जो आपने पहले स्पीड चेक किया था वो देख लेना। और अब दोस्तों ये जो मैंने सेटिंग किया APN, अब दोस्तों इसका स्पीड देख लेना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा भी स्किप नहीं किया है। और दोस्तों यदि आपने पूरा इस वीडियो को देख लिया होगा तो दोस्तों आपको इस APN पे पूरा दोस्तों विश्वास हो गया कि हाँ जी, इस APN से अपने इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों ये जो APN स्पीड है ना, अभी दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, एक कमरे के अंदर बना रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क कम आता है। यदि आप दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों कहीं अगर बाहर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरनेट चलाओगे या स्पीड टेस्ट करोगे ना, तो दोस्तों देखकर बिल्कुल ही चौंक जाओगे, शॉक्ड रह जाओगे कि इतना इंटरनेट स्पीड कैसे आ सकता है। दोस्तों लाइव आपके सामने था, 100% रियल वीडियो है। इस APN सेटिंग को दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेट करके अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर दोस्तों इंटरनेट की स्पीड को बूस्ट कर सकते हो कई गुना तक। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर APN सेटिंग बताया है पसंद आई होगी। तो लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।